कोरोना संकट के बीच आगरा से अच्छी खबर आई है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने 20 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, जिससे अस्पताल और परिवार में खुशी का माहौल है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज से शहर भर में यह अच्छा संदेश पहुंचा है। एसएन बाल रोग विभाग से संवाददाता विनीत दुबे की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के इस महाकाल में देखा गया कि आगरा में जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे और लोगों के सामने जो संख्या आ रही थी उससे लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन इस दौरान एक खबर लगातार सामने आ रही थी जो खुश खबर थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज की, जहां पर 20 माओ ने जो कि कोरोना संक्रमित थी, 20 माओ जो पॉजिटिव थी, उन्होंने नेगेटिव बच्चों को जन्म दिया, एक स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। हम इस समय आईसीयू में मौजूद हैं एसएन मेडिकल कॉलेज की, और ग्राउंड जीरो से आपको हम इस समय दिखा रहे हैं कि तस्वीरें क्या हैं। ये सकुशल बच्चे हैं, ठीक बच्चे हैं, जो कि इनकी रिपोर्ट कराई गई जिसमें ये पॉजिटिव नहीं निकले हैं। इनकी जो माँ थी वो पॉजिटिव थी और ये सभी बच्चे नेगेटिव निकले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इन बच्चों के लिए? सभी 20 यूनिट्स नेगेटिव, बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है। पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। वो बेचारे डर के साए में रहते हैं कि माँ तो पॉजिटिव है लेकिन बच्चे का क्या होगा। इसमें बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि जो ट्रांसमिशन होता है वो 0.007% के अराउंड है। ऐसे में काम करने में कुछ डर भी लगता होगा स्टाफ को? आपके पास कभी कोई कंप्लेंट आई? भाई हम लोग डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स के लिए कहावत है मरीज से नहीं डरते। क्या आप यहाँ काम करती हैं? ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी हैं और इनकी माएँ पॉजिटिव थीं और जब जन्म दिया हुआ, तो कैसे आपको डर नहीं लगा अंदर से? क्या कुछ था आपके मन में? डरने की तो बात नहीं है, क्योंकि अभी ये महामारी का टाइम है, तो हम जो जितना दे सकते उतना देंगे। हम लोग डरेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बाकी लोग फिर और डर जाएंगे। मन में था कहीं? जी हाँ, जी हाँ। एक उम्मीद यहाँ पर, जो उम्मीद की किरण है वो लगातार यहाँ से दिखाई देती रही। जहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती रही, तो वहाँ ये भी देखने को मिला कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से लगातार खुशखबरी मिलती रही। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।